वो वक्त आ गया जिसका था क्रिकेट फैंस को शिद्दत से इंतजार, यानी T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा। ये मैच जज्बात को उरूज पर पहुंचा देता है, उनकी धड़कनों को तेज कर देता है। क्रिकेट के दीवाने इस मैच को लेकर क्या कहते हैं जानते हैं। को क्रिकेट फैंस कैसे देखते हैं ये जानने के लिए हम इंडस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। स्टूडेंट से पूछेंगे कि किस टीम से उनको क्या तवक्को है, किस टीम को वो ज्यादा भारी देख रहे हैं, किससे क्या उम्मीदें हैं। धड़कनें तेज हैं, क्या ख्यालात आ रहे हैं सर? कोई होप नहीं है, क्योंकि जो परसों इतना बड़ा अपसेट हुआ है ना हमें, उसके बाद से कोई होप नहीं है कि पाकिस्तान कल जीतेगा नहीं जीतेगा, क्योंकि कुछ नहीं पता। जब USA के साथ ये हालात हैं तो इंडिया के साथ क्या होंगे? अब आपको कोई कुछ पता ही नहीं है आपको, अब हमारी टीम का कोई भरोसा नहीं है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। एक ज़रा सी वो है कि कुछ शायद हो जाए, क्योंकि ऑब्वियस बात है हमारी टीम है, लेकिन फिर भी हम लोग अब होप नहीं लगाई हुई। क्या पाकिस्तान ऐसा करे कि वो जीत सकता है? सर सबसे पहले तो आपने बॉलिंग एफर्ट फुल 100% देना है, और क्या कहते हैं आप पहले तो टॉस जीतें, बॉलिंग लें, और फिर जब बॉलिंग एफर्ट आप 100% दें, फिर उसके बाद जब चेस आपको मिले तो आप टारगेट उस पर ओपनर्स को अच्छी पार्टनरशिप लगा के अच्छा खेलना चाहिए, ताकि फिर उससे हमें अच्छी बैटिंग मिले, और फिर मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग होगा उसकी वजह से। जब पार्टनर उसकी ओपनिंग की पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग मिलेगी तो फिर मिडिल ऑर्डर भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो फिर ये कि इससे हमें बड़ा अच्छा मैच तो देखोगे ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऑब्वियस बात है देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, वही बात है देखेंगे ज़रूर। आपको पता है पाकिस्तानी अवाम ढीट होती है, अपने उसके नहीं है, तो क्या कह रहे हैं देखेंगे। एक्सपेक्टेशन है किस खिलाड़ी से है? इतने स्टार हैं, बाबर, शाहीन, आमिर, हारिस, नसीम। नसीम से थोड़ी बहुत, वो भी नसीम की फैंस हैं। तो आप देखेंगी मैच फिर? हाँ, इंडिया पाकिस्तान क्या दुआ करती हैं, इंडिया पाकिस्तान का कौन नहीं देखता, सब देखते हैं। पाकिस्तान जीतो, ऑब्वियसली सी बात है, पाकिस्तान के लिए करेंगे कि पाकिस्तान जीते। एक्सपेक्टेशंस तो अच्छी हैं, सारी चीज़ बातें रखनी पड़ती हैं, लेकिन डर ज़्यादा है, क्योंकि हर वक्त हमेशा ऐसी होता है, एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं और फिर ऐसा होता है कि बस। लेकिन हाँ, सारी चीज़ बात है, ऐसा पाकिस्तानी तो एक्सपेक्ट करेंगे और दुआएं हैं कि जीतें, कुछ अच्छा हो जाए, बस इज्जत रहे थोड़ी। किस खिलाड़ी से ज़्यादा उम्मीद है? बाबर, शाहीन, हारिस, नसीम, इमाद वसीम भी है, शादाब भी है, किसको ज़्यादा आप समझती हैं कि ये की प्लेयर है? बाबर से उम्मीद हमेशा रहती है, हाँ बाबर, क्योंकि मुझे लगता है गेम चेंजर हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, वो थोड़ा सा भी अच्छा खेले तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो आई थिंक इंडिया के सामने हमेशा हम प्रेशर में आ जाते हैं, वर्ल्ड कप जब भी होता है हार जाते हैं, इस बार क्या लगता है आपको कुछ अलग हो जाएगा? मुश्किल है, बहुत प्रेशर में तो हम आएंगे, लाजमी आ ही जाते हैं प्रेशर में, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा हाई होती हैं, सबकी नज़रें होती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है। कुछ और क्रिकेट फैन से बात करते हैं, मैच है पाकिस्तान इंडिया का, एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई होगी, क्या एक्सपेक्टेशन? कोई भी नहीं है अभी तक तो। क्यों नहीं है? आपको नहीं पता क्यों नहीं है? सपोर्ट तो करनी चाहिए, सपोर्ट तो वैसे हम करेंगे, पाकिस्तान को जीतना चाहिए, लेकिन मुझे पता है इंडिया जीतेगा। मैच देखेंगी आप? मैं मैच शायद देखूं, मेरी बर्थडे। क्या कहेंगी अपनी बर्थडे को लेके कि टीम को क्या मैसेज? मैं अपनी बर्थडे अच्छी करूंगी मैच ना देख के, और बिल्कुल दिल पे नहीं लूंगी। अगर जीत गया पाकिस्तान तो अच्छी बात, सरप्राइज नहीं होगा बर्थडे का ये? हाँ, बहुत अच्छा सरप्राइज होगा, ये तो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज होगा। किस खिलाड़ी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है? बाबर बॉलिंग में, हारिस, नसीम, शाहीन, क्या? शाहीन होप है लेकिन कम है पाकिस्तान। बहुत पहले बहुत थी, पहले तो मैं पागल थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने समझा दिया अपने दिल को, अब नहीं। दिल टूटे हुए भाई पाकिस्तानी फैंस के, आप बताएं क्या कहेंगे? मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, बस मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान। कुछ भी क्यों नहीं कहेंगी, पाकिस्तानी टीम है भाई, खेल रही है, वर्ल्ड कप खेल रही है। अभी दो दिन पहले का मैच देख के मेरी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मर चुकी है, लेकिन फिर भी बेस्ट ऑफ लक। इंडिया की 80% है, पाकिस्तान की 20% है, लेकिन स्टिल सबको होप है कि पाकिस्तान जीत जाए। वैसे ही इतनी परेशानी है, एटलीस्ट सब अपनी परेशानियाँ भूल के मैच देख रहे होते हैं, तो इनको चाहिए कि एटलीस्ट मैच तो जीते, हमारा कुछ नहीं हो रहा, एटलीस्ट हमारा मैच तो हमारा पाकिस्तान जीते। दिल गुर्दे मजबूत है ना मैच देखने के लिए, सब कुछ मजबूत है और उम्मीदें भी बहुत सी लगाई हुई कौमी टीम से, लेकिन अगर कौमी टीम हमारी मॉडलिंग से ज़्यादा और एडवर्टीजमेंट से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करे तो शायद अच्छा हम लोग कुछ तो लेकर आ ही सकते हैं। यार तनकीद अपनी जगह, लेकिन सपोर्ट तो बनती है, क्या है, क्या करना चाहिए टॉस जीत के? बैटिंग, बॉलिंग, बैटिंग पिच तो है नहीं, बॉलिंग है न्यूयॉर्क वाली, कम टारगेट, लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, तो क्या बॉलिंग में स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और बैटिंग अगर हो जाती है, टॉस हार जाते हैं तो क्या करना चाहिए? यार ऑब्वियसली कोशिश तो यही, अगर हम लोग टॉस जीतते हैं तो हमारा बॉलिंग अटैक जो है ना वो बहुत अच्छा है,
और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार आमिर भी हमारे साथ खेल रहा है, तो आमिर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और फिर एक तरफ ये भी तो चीज़ है ना, सामने कोहली भी है तो कोहली को भी देखना है, रोहित भी है, रोहित और दूसरे अच्छे बैट्समैन हैं, ऐसा नहीं हमारे पास भी हैं बाबर आजम वगैरह। तो ये है कि हमें बॉलिंग पहले करनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा चेज़ ना कर पाए, और फिर हमें बाबर आजम वगैरह जो हमारे अच्छे, आजम खान को तनकीद का मौका बना रहे हैं सब, शायद उसको एक मैच का और मौका देना चाहिए, एक मौका दे दें, पाक इंडिया दे दें, एटलीस्ट बर्गर के बाद हटा दें, बर्गर तो मिल नहीं रहा बेचारे के साथ प्रैक्टिस में, अच्छा वो खेल ले, तो ये सीन है, बॉलिंग करनी चाहिए इसके बाद हम लोग चेस करें, तो कोशिश है कि हो सकता है कुछ। अभी कितना एक्साइटमेंट है मैच को लेकर? एक्साइटमेंट तो कल भी थी क्योंकि हमें लग रहा था पहली टीम है, नई टीम है, जीत जाएगी, लेकिन अब कर्जा चाहिए तो आपको समझना पड़ेगा। चलो मैसेज दोगे कि यार बस जीत जाओ कल का मैच? हाँ यार देखें, एटलीस्ट आप वर्ल्ड कप हार जाओ, इंडिया से जीत जाओ ये मैच, बस और कुछ नहीं चाहिए हमारे लोग, हमारा वर्ल्ड कप बस वही होगा। कमर कस ली है मैच देखने के लिए? दिमाग को मजबूत कर लिया है मेंटली तौर पे? बिल्कुल मजबूत कर लिया है, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं टीम में कमी रह गई है, थोड़ा सा बहुत आपको मिडिल ऑर्डर पे काम करना पड़ेगा, वरना अदरवाइज आपने टॉप ऑर्डर में अगर आप देखें तो पाँच आप ओपनर्स लेके जा रहे हैं, आप चार फास्ट बॉलर्स खिला लेंगे। कल की पिच को अगर मैं देखूँ तो न्यूयॉर्क में यकीनन वो पिच सपोर्ट ज़रूर करती है उस बॉलिंग को, बॉलिंग को बिल्कुल सपोर्ट करती है अगर हम भी, लेकिन टॉस बहुत वाइटल होगा, अगर इंडिया टॉस जीत गया तो यकीनन वो आपको बिल्कुल ही फारिग कर देंगे और आपको कहीं पे भी वो आपको हिलने भी नहीं देंगे, आपको यकीनन पहले बैटिंग कराएंगे और आराम से इजीली चेस करेंगे क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी वही है, वो चेस करना जानते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं बिलीव रखना पड़ेगा आपको, आपको जिगर ये नहीं सोचना कि आपने पिछला मैच हारा है, आप ये हटा दें अपने जहन से कि हमने मैच हारा है, आपने ये कहें कि आज हम नए स्टेडियम में उतरे हैं, नया मैच है, नया दिन है, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतर हम कर सकते हैं। 60% इंडिया का चांस मौजूद है और 40% पाकिस्तान का, क्योंकि लास्ट मैच की परफॉर्मेंस के बाद यकीनन मोराल डाउन हुआ। खिलाड़ियों से ज़्यादा हमें तनकीद जो है सिलेक्शन बोर्ड को और PCB को बनानी चाहिए, क्योंकि ये एक हिस्ट्री रही है, वर्ल्ड कप में हम आयरलैंड से हारे, वर्ल्ड कप में जो है हमने ऐसी बहुत सी डिसअपॉइंटमेंट्स दी हैं, तो अमेरिका से हारना कोई नई बात नहीं होगी। देखिए टीम के हवाले से मैं यही कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम है तो बहरहाल हमें उसे सपोर्ट करना होगा, लेकिन एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये कहती है कि विनर जो है वो इंडियन टीम को ही होना चाहिए, क्योंकि दे आर प्लेइंग फार बेटर गेम देन पाकिस्तानी टीम। कुछ भी खास उम्मीद नहीं है, आपके सामने किस तरह खेलते हैं, मतलब ज़्यादा उनको होता है वो एक्टिंग कर लें, एड्स बना लें और बाकी तो उनसे कुछ होता नहीं है। नहीं, सच्ची सच्ची बातें ना करें, टीम क्या कुछ तो यार अब मैच हो रहा है, कुछ तो मैच में यानी कि सपोर्ट हमें देनी चाहिए, ठीक है हार जाते हैं हम, लेकिन फिर एक दफ़ा हारते हैं, दो दफ़ा हारते हैं, तीन दफ़ा हारते हैं, आप लगातार हारे जा रहे हो तो सपोर्ट किस मुंह से करेगी आवाम? मैच देखेंगी? देखूंगी, दिल बर्दाश्त होगी पर उम्मीदें नहीं लगाऊंगी। क्या होना चाहिए, चलें कुछ अपनी सजेशंस दे दें कि पाकिस्तान ये कर ले वो बता। एफर्ट्स करें, दिल से खेलें और ये सोच के खेलें ना कि वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं तो शायद कुछ रिजल्ट निकल कर आए। बस रेट कितना करेंगे इंडिया पाकिस्तान दोनों में से? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 100% ही क्या इंडिया है पाकिस्तान को, इतना तो यार ना करें ना। रिजवान और बाबर चल जाते हैं तो कुछ हो सकता है, वैसे कोई सही है, अगर इंडिया 100 है तो मैं इसको 50-60 बोल दूंगी। That's it. बस रिजवान बाबर खेलने वही चाहिए। और बॉलिंग में हारिस, नसीम, शाहीन। अच्छा नसीम अच्छा है, हारिस को अगर देखा जाए ना तो वो पिटता बहुत है, मतलब जहाँ मैच फंसा हुआ होता है ना उसने रोकना है, वो नहीं रोकेगा, वो बोलेगा जाओ रन्स ले लो। हकीकत है, ये दो बार हुआ है। हमारे हसन अली भी हैं, जहाँ इनको रोकना चाहिए वो रोकते नहीं है, वो बोलते हैं जाओ जाओ ले लो, जीत जाओ, हमें तो कोई वो ही नहीं है, तो ये वाला है। हारिस को आप कहेंगे कि यार अच्छी बॉलिंग कर ले, रन ज्यादा ना, बॉलिंग कर लो, छक्के चौके रोक लो और कुछ नहीं चाहिए। क्या ऐसा हो जाए कि मैच पाकिस्तान के हाथ में आ जाए, जो चीज़ों की कमी है वो क्या है? कमी किसी चीज़ की नहीं है, बंदे हमारे पास पूरे हैं, टैलेंट पूरा है हमारे पास, बस कैप्टेंसी की ज़रूरत है, कोहिजन की ज़रूरत है। हमारे बंदों में कोहिजन नहीं है, हमारे बंदों में अभी वो टीम वर्क नहीं जो हमारे हमें पहले दिखा था। हमने अभी पिछले दो टूर्नामेंट्स में जब एक बार इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में हराया था, वो बहुत अच्छा खेला था हमने, वही पर्सनल है हमारे पास ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन अब वो कोहिजन नहीं है, वो केमिस्ट्री नहीं रही। जाहिर है पाक इंडिया में हाई वोल्टेज मैच होता है, मेंटली प्रेशर होता है दोनों टीमों पे, अब हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही होता है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये रहा है, हम फौरन जो है अपना बर्डन जो है लोअर ऑर्डर पर डाल देते हैं,
शुरू के दो तीन आउट हो जाते हैं, मिडिल ऑर्डर स्ट्रेस हो जाता है, लोअर ऑर्डर स्ट्रेस हो जाता है। अगर शुरू के बंदे बना के रखेंगे एटलीस्ट 10-12 ओवर तक, उसके बाद जो है फिर जो है हमारे पास एक बेस बन जाएगी, तो फिर आगे शादाब आ सकता है, इफ्तिखार आ सकता है, व्हाटएवर आ सकता है, वो फिर आके हम अपनी बेस पे बिल्ड करेंगे। किससे उम्मीद है ज़्यादा पाकिस्तानी टीम के, कौन से खिलाड़ी, बॉलर या बैट्समैन, दोनों बता दो। बॉलर में तो मेरा अभी फेवरेट हारिस रऊफ़ी है, वही है, रन खाता है, लेकिन मेरा फेवरेट हारिस रऊफ़ी है, उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए, वो है डेथ ओवर्स का बॉलर है, वो उसे आखिर में इस्तेमाल करो, उसे प्रेशर डालने के लिए इस्तेमाल करो। और जहाँ तक बैट्समैन में मेरा फेवरेट बाबर नहीं है, मेरा फेवरेट रिजवान है, और रिजवान की बहुत प्यारी मेंटेलिटी है, वो ऐसा बंदा है कि उसका हैमस्ट्रिंग भी क्रैम्प हो रही होगी, वो बंदा भागेगा। मैं ऑड्स तो अभी इंडिया को ही दूंगा, क्योंकि हम इस वक्त थोड़े वीक हैं, तो स्ट्रेट बात है इसमें कोई, स्ट्रेट बात है, इंडिया को ही मैं ऑड्स दूंगा, लेकिन हमें मैं कभी भी रूल आउट नहीं करूंगा। पाकिस्तानी टीम का फॉर बेटर और फॉर वर्स एक खिताब रहा है कि अनप्रडिक्टेबल है, तो वो बुरी बात भी है, अच्छी बात भी है, लेकिन अनप्रडिक्टेबल है तो क्या पता हमें कोहिजन मिल जाए, हम चल जाएँ, नामुमकिन मुमकिन हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानी टीम से हमेशा ये एक्सपेक्ट होता है हमें। मैच तो ऑब्वियसली देखूंगी, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा क्रेजी है मैचेस वगैरह के बारे में, मेरे बाबा भी, मेरे भाई भी, तो हम लोगों के तो सिर्फ मैच ही चल रहा होता है, अगर मैच आ रहा होगा तो उस दिन ड्रामे नहीं चलेंगे, मैच चलेगा सिर्फ। तो ये है कि उम्मीद तो है, लेकिन ये कि अभी USA से वो मैच बहुत गंदी तरह हार गए हैं, तो थोड़ा सा अगर थोड़े से अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करना है तो क्या पता जीत जाए। क्या किस खिलाड़ी से ज़्यादा उम्मीद है? बाबर से बहुत है, और रिजवान से तो ऑफकोर्स है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देता है। बाकी अगर बॉलर्स में देखा जाए तो नसीम और शाहीन। बाबर से उम्मीद है कि वो अल्लाह करे वो अच्छा खेल ले, क्योंकि वो हमारा बहुत अच्छा बैट्समैन तो बना रहा है, सबसे ज़्यादा T20 में रन बना लिया, और क्या अच्छा खेले नहीं, लेकिन जीत नहीं पाते ना हम, ये होता है। रिजवान है, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छा खेले। हमारे पास वो है शाहीन है, वो विकेट अच्छी ले, जिसकी वजह से हम मैच जीत सकें। बहुत दिनों से इंतज़ार था कि मतलब बस आ जाए इनका मैच, आ जाए, देखते हैं। बहुत ज़्यादा नर्वस भी है और दुआ करते हैं कि बस जीत जाएँ। क्या रेट करेंगी पाक इंडिया में से, किसको कितना? मैं तो चाहती हूँ कि पाकिस्तान जीते, मैं तो 100% रेट करूँगी कि हम ही जीतें। भूल जाओ, दिल छोटा ना करो, पूरी कौम की सपोर्ट तमाम खिलाड़ियों के साथ है। क्रिकेट फैंस बस यही चाहते हैं, हौसले बुलंद रखो, गेम उठा दो और भारत को धूल चटा दो।